टॉप 3 बेस्ट इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। और आपको भी इन्फिनिक्स की तरफ से कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे तीन कमाल के स्मार्टफोन। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं और सभी के अंदर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन और दमदार फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। सो गाइस यार, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 11 से 12,000 रुपए और उन्हें इस प्राइस पॉइंट के अंदर इन्फिनिक्स का एक बढ़िया सा 5G फोन लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30 5G। ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि बैक साइड में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई जो कि फोन के लुक को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। हालांकि ये फोन 215 ग्राम वेट के साथ में आता है जिस वजह से स्मार्टफोन थोड़ा सा बल्की हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.78 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल जो कि पैंडा ग्लास के सपोर्ट के साथ में आती है, और 580 निट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के बड़े बड़े कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.6 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी डिसेंट टाइप की देखने को मिलती है, हालांकि अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो आपको इमेज क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो फोन के अंदर लगा हुआ है 7nm बेस MediaTek Dimensity 6020 का चिपसेट। दोस्तों ये जो चिपसेट है ये आपको लगभग 3,70,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो और परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलता है, और साथ ही फोन 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है। हालांकि चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली काफी अच्छा निकाल कर देता है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, साथ ही साथ ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहां पर आपको मिलता है XOS 13। रही बात स्मार्टफोन की 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और देखा जाएगा इस तो काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक 5G स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए अभी आपको देने होंगे 12,499 रुपए, और अगर आप कुछ बैंक ऑफर्स लगा लेते हैं तो ये स्मार्टफोन 11,500 रुपए की प्राइस पर आपको इजीली मिल जाएगा। सो देखा जाए तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, आप चाहें तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें यार इन्फिनिक्स की तरफ से कोई लेटेस्ट फोन लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का Note 30 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन चीप प्राइस पर आपको बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको ग्लास बिल्ड के साथ में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वेगन लेदर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है फोन की वो यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, 580 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है। रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी IPS है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है। बात करें कैमरास की, तो आपको यहाँ पर बैक साइड में 3 कैमरास दिए गए। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.75 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ दिया गया, और आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर भी देखने को मिलेगा। बैक कैमरा मॉड्यूल आपको हालांकि थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी फोन की अच्छी है, डे लाइट में आपको फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहां पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आपको यहां पर एक डिसेंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आपको यहां पर 2K तक की वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की।
तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity का 6080 का चिपसेट। और दोस्तों ये जो चिपसेट है ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ आपको गेमिंग के लिए यहाँ पर दिया गया G57 MC2 का 2 कोर का GPU जो कि आपको बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग भी करा देता है। तो अगर आप यहाँ पर हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। बात करें अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी। साथ ही साथ ये फोन 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से गेमिंग के समय पे अगर आप फोन को चार्ज करते हैं तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये काफी कम हीट होता है। और अगर आप चाहें तो इस डिवाइस की मदद से अपनी और किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जहाँ पर आपको JBL ट्यून्ड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आउटपुट है दोस्तों वो तो यहाँ पर काफी कमाल के हैं। रही बात यहाँ पर कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और साथ ही साथ ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी कमाल की बात है। तो चलिए फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। सो गाइस देखा जाए तो काफी कमाल का पैकेज है इन्फिनिक्स की तरफ से, अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें इसके आखिरी फोन की, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का 05G 2023 एडिशन। बात करें इस फोन की गाइस, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी कमाल के दिए गए। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 500 nits की ब्राइटनेस दी गई है। 120Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बात करते हैं कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50MP का, 2 का मैक्रो, 2MP का डेप्थ और 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है डे लाइट, और साथ ही साथ दोस्तों लो लाइट में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30fps, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 6nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो फोन काफी कम गर्म होता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। वैसे ये फोन काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। और तो और आपको यहाँ पर 5GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों 8GB प्लस 5GB 13GB तक की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। और इसके लिए आपको देंगे 15,999 रुपए। पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसे अप्लाई करके ये फोन आपको मिलेगा 14,700 रुपए की प्राइस पर। और इफेक्टिवली देखा जाए तो काफी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे वो 4 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं इनफिनिक्स की तरफ से लगभग 15,000 रुपए की प्राइस पर, और सभी के सभी काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं और काफी चीप प्राइस पर आपको मिलते हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।